टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक और मौलाना साहब का मामला सामने आया है। मौलाना साहब के बीवी के सामने गंदी हरकत और गाली गलौज करने का ये पूरा मामला है। मुमरा के गांव देवी में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना तुफेल कादरी ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद और उनका बेटा समीर उनके साथ गाली गलौज की और उनकी बीवी के सामने भी गंदी हरकत की और उसके साथ भी गाली गलौज किए हैं। इस पूरे मामले में सैयद अली अशरफ भाई साहब खुद मौलाना तुफेल कादरी को साथ में लेकर आज मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे और इसकी शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में सिर्फ NC दर्ज की है और हिरासत में लिया है। सैयद अली अशरफ भाई साहब और मौलाना तुफेर कादरी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुना दें। भाई साहब, जिस तरह से आज एक मौलाना साहब का मामला भी सामने आया था मारपीट को लेकर, और आपके बाजू में भी जो मौलाना साहब खड़े इनका भी मामला सामने आया है, आप ये दोनों मामलों को लेकर आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या गुनाह दाखिल कराए हैं आपने, क्या हुआ पूरा डिटेल? देखिए, ऐसा है कि मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर को बताना चाहता हूँ, शहर के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि पता नहीं कौन से लोग ये शहर में बसना शुरू कर दिए है कि एक इमाम साहब ने पूछ लिया कि भाई ये 7 माले की बिल्डिंग है तो इसका मेंटेनेंस 700-800 रुपया लिया जा रहा है और इसका क्या हो रहा है, बाकी क्यों आप मांगते हैं एक्स्ट्रा? तो उनको जो है मिल के, वो जो सोसाइटी चलाने वाले लोग हैं वो मिल के मारते हैं उनको, बेचारे को लहूलान करते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके बाद उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में आके आरोप भी लगाते हैं कि इन्होंने लड़कियों को छेड़ा या लड़कियों को छेड़ा, इस तरीके का आरोप लगाने का एक नया सिस्टम बना हुआ है। तो मैं इसीलिए पुलिस स्टेशन में आया था, सीनियर साहब ने स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया है और वो कंप्लेंट नहीं लिया जो वो लगा रहे थे, गंदा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, इमाम साहब हैं यहाँ पे सामने, मदरसा है पंडवी मदरसा है यहाँ पे ऊपर, वहाँ एक मोहम्मद गाँव देवी मोहम्मद नाम का कोई एक बदमाश लड़का है, वो आए दिन शराब पी के बाल बच्चे उसके बेटे बेटियाँ सब ऐसे ही थर्ड क्लास लोग है और इनके घर में घुस के मारना पीटना बदतमीजी करना चैन खोल के दिखाना, उसका कोई लड़का है समीर करके वो चाकू वगैरह लेके घूमता है। तो मैंने वो सीनियर साहब को किया, उसको ला के अरेस्ट किया गया है। इसके पहले इसी मुमरा शहर के अंदर जो है एक इमाम साहब बेचारे, उनकी कोई वाइफ जा रही थी, उनसे भी कोई नंबर मांग रहा था। तो इस तरीके के वारदात बढ़ते जा रही है। तो मैं शहर के जागरूक नागरिक लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके के लोगों को एक तो शेल्टर नहीं देना चाहिए, उनके लिए कभी फ़ोन नहीं करना चाहिए, उनकी कोई मदद नहीं करना चाहिए पुलिस स्टेशन में। इस तरीके के लोगों की अगर हम लोग मदद करते गए और इनको छुड़ाने का काम कर गए या इनको बचाने का काम किया तो इनका कलेजा बढ़ते जाएगा। और एक एक इमाम बोले तो एक मतलब एक एक, एक समाज का हमारा इम्पोर्टेंट हो, उसके पीछे हम नमाज अदा करते हैं, वो कोई भी इमाम हो, उसके साथ उसकी बीवी का नंबर मांगना, उसको मार देना, उसको वो कर देना, ये कितनी गलत बात है। और किन लोगों के, बेचारे शरीफ लोग हैं, ये लड़ाई नहीं कर सकते, ये झगड़ा नहीं कर सकते, ये मारपीट नहीं सकते, गंदा आरोप लगाने का काम करते, ये पता नहीं कौन से कहाँ से चिक्कलवाड़ी फिक्कलवाड़ी से आके यहाँ रह गए मुमरा के अंदर, नाम खराब कर रहे हैं हमारे शहर का। अभी पुलिस ने क्या, पुलिस ने एक्शन लेने के लिए बोला है इनके केस में, तो उनको ला के बिठाया, उनके बेटे को ढूंढा जा रहा है और जो चरनीपाड़ा के जो इमाम साहब है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके भी आरोपी को पकड़ा गया है। मेरा नाम तुफैल अहमद कादरी है, हमारा मदरसा मखदूम अलाउल हक पंडवी जो गांव देवी की सरजमीन में है, मैं 18 साल से वहां पे रह रहा हूं। क्या हुआ आपके साथ? और हमारे साथ वो जो एक मोहम्मद नाम के है वो रात को पी पा करके आकर के हमको गाली देना, हमारी वाइफ को गाली देना और बहुत बुरी बुरी तरह से ऐसी गंदी गाली के उसको ज़बान में निकाल नहीं सकते, यहाँ तक कि चैन खोल करके दिखाना और इस तरह की हरकतें जब किए तो भाई साहब के पास हम लोग गए तो भाई साहब ने उसको मंडोली कर दिया कि ठीक है अब दोबारा इस तरह से नहीं। फिर परसों आकर के उसके बच्चा जो समीर नाम का है वो आकर के गाली गलौज करना चालू कर दिया कि यहाँ पर मैं सबील बनाऊँगा, देखें गाली फिर नहीं, मगर ऐसी ऐसी गाली दे रहे थे तो हमारी वाइफ बोली कि तुम गाली क्यों दे रहे हो और क्या कहा कि तुम यहाँ बनाने के लिए चाह रहे हो, तो बोले देखता हूँ कि कौन है। इस तरह की बातें है, इस तरह की बातें है तो लास्ट में मजबूर होकर के बोलता हूँ, ऐसी ऐसी गाली है कि अगर नहीं बोलता हूँ तो वो भी नहीं होता है। एक मैं मौलाना साहब हूँ, और भी मोहल्ले के लोग हैं, अब है सब इधर सब खड़े हैं इधर हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोहल्ले के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चांद भाई हैं, फिरोज मियां है और दीगर अपना सहस हमारे टेटस्टी है, मौलाना
चिराग आलम साहब सेक्रेटरी हैं, मौलाना बदरुद्दीन साहब अभी यहाँ से निकले। तो मैंने आपको इस तरह की जो बातें कर रहा है, क्या वजह है आपसे क्यों इस तरह की? उसको कुछ भी नहीं, पीने के बाद उसको पता नहीं जो क्या अपना है, इसलिए कि हम लोग जो हैं तो हमारे शराब पीने के बाद वो सब पूरा नशा कर देता है। तो अभी आप लोग आए थे पुलिस स्टेशन? हाँ, भाई साहब को लेकर के हम आए थे, भाई साहब को हम फोन किए, भाई लाया गया। हाँ, उनको लाया गया, उसके बच्चे नहीं आए अभी तक। कुछ कंप्लेन? हाँ, कंप्लेन मैं कर दिया हूँ।